लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। सरकारी तंत्र भले ही कितना सजग बना रहे, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इसको अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। ऐसा ही मामला सावेर ग्राम पंचायत का आज कलेक्टर जनसुनवाई में आया। आज इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में फर्जी मार्कशीट द्वारा सरकारी नौकरी करने का मामला देखने को मिला। दरअसल मामला सावेर ग्राम पंचायत का है, जहां पर संविदा की भर्ती में कई फर्जी लोगों ने अपनी फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरियां प्राप्त कर ली थी। आत्माराम जाटव द्वारा आरटीआई के माध्यम से जनपद पंचायत सावेर कार्यालय पर नई नियुक्तियों की जानकारी निकाली तो पता चला कि दो लोग डीएड की फर्जी अंक सूचियों के सहारे आज जनपद पंचायत में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई विभागीय कार्रवाई जनपद सीईओ द्वारा नहीं की गई। साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं को उन फर्जी मार्कशीट वाले लोगों से जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कार्यालय सावेर का बताया जा रहा है, और अगर सही जांच होती है तो इस मामले में कई फर्जी लोग पकड़ाए जा सकते हैं। वहीं जनसुनवाई अधिकारी ने कहा कि हमने जिला शिक्षा विभाग को मामले से अवगत करा दिया है और जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जिला शिक्षा विभाग का 2007 और 6 में जो भर्तियां हैं, संविदा शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी सागर तहसील में, उसमें बीएड की फर्जी मार्कशीट के आधार पे जिन शिक्षकों की भर्ती गई उसकी मैंने पूरी जांच करवाई। जांच के बाद में भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी या प्राचार्य या बीओ कोई भी उसकी मतलब कार्रवाई करने को तैयार नहीं, और मुझे पार्टियों से मतलब लोगों से धमकियां मिल रही है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके ऊपर, इस मुहिम के ऊपर विशेष ध्यान देके इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। मेरे जान को पूरा खतरा है। ये मामला भी व्यापम जैसा ही है। आपको जान का खतरा किससे है? ये लोग जिन लोगों की मैंने मार्कशीट आरटीआई के अंतर्गत निकाली है, वो लोग मेरे को बार बार किसी रिश्तेदार के मार्फत, किसी अनजान आदमी के मार्फत मेरे पास खबर पहुंचाते हैं कि आपका आवेदन ले लो, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। सावेर में कौन सी तहसील और कौन सा सावेर? सावेर तहसील इंदौर जिले की सावेर तहसील में बघाना ग्राम बघाना में पदस्थ महेश परमार शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ है। संकुल धर्मपुरी लगता है। फर्जी मार्कशीट में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अभी इस फर्जी मार्कशीट में कितने लोग हैं ऐसा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। ये अधिकारी सब मौन धारण करके बैठे हैं। आपने आरटीआई लगाई थी ना? आरटीआई लगाई थी। अंदर तो मैंने आरटीआई के अंतर्गत सिर्फ 4 लोगों की आरटीआई निकाली है, और 4 में से मैंने 2 की ही कंप्लेन करी है। उन 2 की कंप्लेन भी श्रीमान जिला पंचायत सीओ को भी मैं 3-4 बार अवगत करा चुका हूँ। आपको लगता है कि अगर जांच होगी तो और कुछ भी फर्जी मार्कशीट? हाँ, हो सकता है कि जांच हुई तो और भी अन्य लोग कहीं आ सकते हैं। अभी आपको अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों मैंने ईओडब्ल्यू भोपाल से जांच कराई, मैं गया वहाँ भोपाल भी मैंने कई चक्कर लगाए। एक मार्कशीट महेश परमार की मार्कशीट पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट डीएड कॉलेज जहांगीराबाद प्रिंसिपल से मैं जहांगीराबाद में वो कॉलेज वहां से स्थानांतरित होकर गीतांजलि कन्या महाविद्यालय के पास में आ गया। वहां के प्रिंसिपल से मैंने कई बार संपर्क करा, संपर्क करने के बाद में भी वो मुझे स्पष्ट जांच नहीं मतलब स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि ये कॉलेज का नाम क्या है, कहां पे स्थित है, जहां से फर्जी डिग्रियां बांटी गई। एक गोकुल पिता श्रीराम सोलंकी की डीएड प्रशिक्षण संस्था बिजलपुर से है, दूसरा महेश पिता राजाराम परमार जिसकी डीएड की मार्कशीट जहांगीराबाद भोपाल से दर्शा रहा है, जबकि डीएड कॉलेज नहीं होता है, वो की प्रशिक्षण संस्था होती है। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आत्माराम जाटो, पिता श्री धुलजी जाटो, ग्राम राजोदा, तहसील सावेर, जिला इंदौर। जिला पंचायत सीओ द्वारा जांच कर एफआईआर कराने की, पर इसमें अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सबसे पहली शिकायत थी मामले में ईओडब्ल्यू में दी गई, ये इस तरह की शिकायत आई थी, और 2 शिक्षकों के विरुद्ध ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी मार्कशीट जो है फर्जी दी है, और जिसके आधार पर उन्होंने नौकरी हासिल की है।
हमने जिला शिक्षा अधिकारी को इसके संबंध में जांच करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।